वेलकम टू लखनीत ब्लॉग। ब्लॉग का बिल बनवा भी तो दिया प्यार प्यार से। वाह भाई रिंकू भाई देख लो यार, सबसे बड़े सपोर्टर हमारी टीम में। गाइस क्या माहौल है, चेक करो एक बार। की नहीं है यहाँ पर, बट ये लॉक नहीं लगा हुआ, अंदर लैपटॉप कैमरा सब रखा हुआ भाई। ओए लखनीत, यात्री कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले कोलकाता में। कोलकाता में हम वैसे 3 दिन से हैं, बट आज मैं आपको कोलकाता ऐसा घुमाऊंगा खुद भी घूमूंगा कि आपने कभी घुमा ही नहीं होगा। जो लोग कोलकाता में होते हैं वो तो खैर घूम ही रहे होंगे, बट जो लोग नहीं आए यहाँ, सबसे पहले उसके लिए हमें नहाना पड़ेगा, जो कि एक बेसिक सी चीज़ है जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नीतू नहा के ना, वो उसको ऐसा लगता है वो मेरे रूम में रहती है तो मैं ज़्यादा आलस करता हूँ। वो नहा के अपना मेकअप करने चली भी गई है, मैं भी नहाने जा ही रहा था, लेकिन पता दिक्कत क्या है मेरे साथ, मैं इतना ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने अपने कपड़े तो निकाल दिए, ये बैग है मेरा जिसमें मेरे फेस वॉश वगैरह रखे रहते हैं। मैंने अभी रियलाइज़ करा मैं फेस वॉश लाना ही भूल गया हूँ। ये फेस वॉश मेरे बैग में रखा हुआ था, बट ये भी ऑलरेडी ख़त्म है। तो भाई मेरे साथ ना ऐसा होता ही रहता है, बट क्या करूँ, नहाना तो ज़रूरी है। पूनम मैं इनके पास जाता हूँ, उनका फेस वॉश ले आता हूँ। मैं जब भी बाहर रुकता हूँ ना, ऐसे करके रूम को छोड़ देता हूँ, बिकॉज कोई ना कोई रूम में आता ही रहता है, बार बार गेट तक आना जाना ये लगा ही रहता है। वरना वो इन्होंने भी यही कर रखा है भाई। गुड, पूनम मैन सुनो, मुझे फेस वॉश दे दो अपना यार। सॉरी ब्रो, तुम भी नहीं लाई? अरे लाई ना। अबे थोड़ी अमीर बन यार। अरे लाई हूं ना ये। और नीतू तेरा तो फेस वॉश कुछ है ही नहीं उसके अंदर, वो क्या है पिद्दक सा उसमें फेस वॉश तो है ही नहीं, वो तो खाली डब्बा है। ये देखो हमारी पूनम मैंने सब चीजों का ख्याल रखती है। ये देख भाई, ये ले। ये कौन सा है अब? अच्छा है। है? अच्छा है, सबसे अच्छा है। और यार मेरे एक्ने वैक्ने हो गया फिर? इंडिया, अरे पागल, मेरे खुद एक्ने प्रॉन्स के ना नहीं होता ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं ना के आता हूं। ठीक है, ओके गाइस, ओके गाइस, बाय बाय। चलो जी आप इधर आओ। वेलकम बैक टू माई कटोरा कट। मुझे भी पता है कटोरा कट ही है क्योंकि मैं शैम्पू कर लिया, करना कुछ और चाहता हूँ हो कुछ और जाता है, बट आप लोग मेरे को डिप्रेस्ड फील मत कराना, कुछ नहीं आप झेल लो जैसे तैसे। ठीक है अभी हम चलते हैं यहाँ से, चलो भाई निकलते हैं, नहा लिया हूँ मैं, वो सब लोग तो ऑलरेडी रेडी हैं, सब मेरा वेट करते रहते हैं, शहनशाह हमेशा लेट आते हैं। सो गाइस हम यहाँ पर आ गए, हमारे लिए 3 टिकट ऑलरेडी करा रखे थे रिंकू भाई ने, अभी 2 टिकट का और इंतजाम हो रहा है, बिकॉज रिंकू भाई का कहना है। अरे कोई नहीं यार, लाओ ना तुम, देखना। हाँ हो गया हो गया भाई ने सारे टिकट नंबर सेम है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? तो भाई का कहना है कि यार सब लोग जितने भी टीम मेंबर है सबको मैच दिखाना है, भाई ने 6 टिकट अरेंज करके दिए हमें। सी यू गाइस वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स, बोल दो एक बार वेलकम टू लखनीत व्लॉग। ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए भाई। आज याद है ना 50 के बाद? हाँ याद रखना, पूरी जनता आज देखेगी। बाय 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 बाय, मिलते हैं। ठीक है, सी यू इन ग्राउंड। ओह माय गॉड इंग्लिश। ठीक है अनुकूल भाई, हां मिलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सो गाइस यहां पर हमारे टिकट्स आ गए। अरे ये टिकट मत दिखा, ये दिखा मेरे को, ये देखो ये एनवेलप मेरे को मिला। नीतू कह रही है मेरा नाम कहाँ है यहाँ पे, बाबू सबके लिए मिल गया। ठीक है आज सब मैच देखना, और सुनो ऐसा ना हो कि केकेआर का विकेट गिर रहा और तुम खुशी मना रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि नीतू एक बार ऐसा कर चुकी है, जब दुबई थे ना जिस टीम के लिए थे उसकी बैंड बज रही थी और ये चीयर कर रही थी। मुझे नहीं पता मैच के बारे में कुछ। ठीक है भाई चलें, लेट्स गो। गेट नंबर अपना तो 2 है, इनका 9 है। गाइस हम गलत कैब में बैठ गए, अंकल को ओटीपी दिया जा रहा है, अंकल लगा रहे हैं और लग ही नहीं रहा, पता चला हमारी कैब सामने वाली है। लेट्स गो। सॉरी अंकल, पर अंकल बहुत स्वीट है। चलो ये तुम लोगों की होगी भाई, हम गलत कैब में बैठ गए, इन्हीं की है। चलो इधर, हम दूसरी कैब में बैठ गए, हमें पता ही नहीं था ये कैब हमारी है। 8405 ये है। तो तुषार भाई हमें इस वाली शॉप में जाना है, और लखन सर आ गए, ये पीछे वाली गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी है, ये लोग भी आ गए, और इस वाली शॉप में जाना है जिसका हमें लोकेशन मिल गया। हम लोग आ गए हैं मार्केट में, अभी मार्केट के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई है कि यहाँ पर साड़ी अच्छी मिलती है, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसी कैसी साड़ी है और हम कैसी कैसी साड़ियाँ मिलते हैं। भैया दिखा दीजिए, मम्मी को ग्रीन कलर वैसे भी पसंद है। प्राइस क्या है? 10,000 के आसपास होगा। ये आपको 10,000 की साड़ी मिलेगी। तो गाइस वो लोग तो अंदर, पता नहीं कोई यहाँ की बड़ी फेमस शॉप है वहाँ पे क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता। आज संडे है तो यहाँ का मार्केट शायद बंद रहने वाला है, बट मैं थोड़ा सा मार्केट के बाहर हूँ। सामने एक मठ है, उसका नाम है महानिर्वाण मठ, वो भी जाके देखूँ क्या है। एक बार आपको यहाँ का ऑरा दिखाता हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट तो इस ट्रिप का मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कोलकाता की जो रोड पे घूमने का मौका मिल रहा है ना, और रोड पे पता है यहाँ पे ट्रैम वाली रेल्स बिछी हुई है हर जगह। मैं उस एरा को इमेजिन कर रहा हूँ जब यहाँ पे ट्रैम चलती होंगी, वो आज़ादी का टाइम। अब अंदर चल के देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये भी सुंदर लग रही है ना, ये वाली भी साइड कर दी।
मुझे तो ऐसी पलंग कितनी सुंदर लगेंगी। तो हमारे बंगाली भैया है तो हमें बताएंगे कि क्या करेंगे कैसे लेंगे। दिस इज खूब भलो अच्छी खूब सुंदर नीट काच से। हां देखो साइड एक तो ओपन करेंगे थोड़ा अलग है हटके है ना। खूब भलो खूब भलो। ये यहाँ की सबसे सस्ती दुकान है। अच्छा स्टार्टिंग प्राइस ही 10,600 रुपए से। ओके 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 ओके। क्या करेंगे इतना सस्ता सामान खरीद के है? आप बोलेंगे तो आपको पहना के हम दिखा देंगे। ठीक है इसको साइड कर दीजिए। हट क्या है भाई ये बहुत ही सुंदर साड़ी लेकिन एक्सपेंसिव भी है रेंज के हिसाब से। आई मीन 18,000 की साड़ी सुंदर लगी। बट इसमें दो ब्लाउज है कॉन्ट्रास्ट में एक सेम कलर में। ये हक्कोबा साड़ी है। इसमें आप ये प्रिंट देखोगे कुछ ऐसा प्रिंट है इसमें। वाओ तो मेरी मम्मी को तो ग्रीन पसंद है और मेरी सासू मॉम को ये रेड पसंद है। तो ये मॉम के लिए ये मम्मी के लिए। ठीक है दीदी अच्छा लग रहा है दोनों में। ये दोनों तो हमें लेना ही लेना। ये बिल्कुल प्लेन आचे ये थोड़ा बंगाली बोलो भैया भल लागो खुद नहीं आते खूब सुंदर लागे। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं आना और भी सिखाओ। कैब वाले सब बंगाली में बोल रहे थे। क्या बोल रहे ऐसे तो नहीं बोला ये वो बता रहा था मेरे को मार्केट का। महाराष्ट्र रहते हैं मतलब पुणे रहते हैं। खूब छान सिक्के हैं यहाँ पे खूब भालो। बस कड़क बोलते गड़द गड़द तो ये पहनने में भी गड़द होता होगा। नहीं ये पहले फूला फूला रखते हैं जितना हवा लगेगा उतने सॉफ्ट होते जाएगा। जैसा ताक का साड़ी होता है ना खुला रहता है। हम शादी में जो कुर्ता पहनता है तसल वाला खुला रहता है और उसके बाद सॉफ्ट हो जाता है। ये कड़क हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। वालू चाहिए बंगाल का स्पेशल आइटम है। ये बंगाल की साड़ी दिखा रहे हैं आप कट्टर जो बंगाल की साड़ी है। हाँ। में क्या है इसमें क्या स्टोरी है इसकी? स्टोरी है रामायण महाभारत का स्टोरी आएंगे। शकुंतला रामायण महाभारत जैसे हम सर वैसे मत देखिए हम पूरा दिखा देते आपको। अच्छा और अच्छा सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ही सुंदर इसके कलर है जो मैंने दो पिक कर लिए अपने लिए। बहुत ही सुंदर। दीदी तेरे को चाहिए इसमें से कोई कलर? दीदी को साड़ी का ज्यादा शौक नहीं है। लेडीज बोल रहे हैं आराम से बोल रहे हैं खूब सुंदर मुझे बांग्ला आती है। क्या बोलूंगी आमाके बांग्ला आसे हो गया भाई तेरी शॉपिंग अभी कितने टाइम और चलेगी? मैंने सबके लिए शॉपिंग करी है। रोहित की मम्मी के लिए भी क्या नाम है रोहित की वाइफ के लिए भी तुषार की मम्मी के लिए भी बुआ जी के लिए भी क्योंकि अब यहाँ पर आए बार बार तो आना होगा नहीं तो सबकी मम्मी हो के लिए सबके लिए साड़ी ली है। लेकिन रोहित और तुषार को बताया नहीं पता क्यों क्योंकि अगर मैं उनसे पूछती हूँ कौन से अच्छे लग रहे कोई भी मैंने अपनी पसंद से ली सबके लिए। अगर वो कोई भी बोलते तब भी तुझे अपनी पसंद से लेनी है क्या बोलती है? कन्फ्यूज रहती है। कितनी ले ली तूने ऐसे क्या 10-12 ले ली क्या? मैंने कम से कम 25 साड़ी ले ली। क्या बात कर रही है तू? लेके जा जाएंगे भाई एक्स्ट्रा लगेज लग जाएगा बहुत। चलो कोई नहीं अब ले ली भाई। तो गाइस हमने यहाँ से कम से भी कम 25 थी मगर हमें 22 ना 23 21 साड़ियाँ ली है। तो उन्होंने भैया ने हमें एक बहुत ही प्यारी थैली गिफ्ट करी क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लगाते हैं ये लोग 1% भी। तो जितनी भी हमारी साड़ी का प्राइस है वो तो भाई ट्रॉली का काम तो मेरा हो गया अभी अगले ट्रिप पर यही लेके जाऊंगा। कल हमने साड़ी खरीदी और हम बहुत सारी जगहों से साड़ी खरीदते हैं एक ही दुकान से नहीं लेकिन इस दुकान में जो साड़ी खरीद के मजा आया ना लेकिन क्योंकि ये लोग लस्सी दे दी क्या तेरे को पीने को? नहीं कुछ दिया नहीं लेकिन इतने प्यार से दिखाना इतने प्यार से करना कि आपके पर 2 लाख का बिल बनवा भी तो दिया प्यार प्यार से। बात वो नहीं है लखन बात समझा करो तो मतलब इतना प्यार कोई जब जताता है तो अच्छा लगता है ना। इंसान को क्या चाहिए पैसा तो हाथ का मैल है आता जाता है लेकिन इंसान को प्यार चाहिए। अगर आप प्यार दे रहे हो तो आपको प्यार मिलेगा अगर आप प्यार नहीं देते तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। रोहित तुम क्या देखने आए थे कि मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ या नहीं? लाइट देखने आया था। बंगाल का नया साल है ना। नया साल मुबारक हो ठीक है तुम लोग बहुत अच्छे क्या बोलते हैं? ये तो जिस हिसाब की तो बंगाली बोलती है ना बहुत जल्दी हम यहाँ कहीं सुतते हुए नजर आएंगे भाई। तो अभी हमने यहाँ पर कैब बुक कर लिया है हम लोग अपने होटल जाएंगे कुछ खाएंगे चेंज तो मेरा करने का मन नहीं लेकिन नीतू ने बोला कुछ और मैं पहनूं आई डोंट नो क्या पहनाना चाहती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा स्टेडियम चीयर करने भाई लेकिन यार बिल 2 लाख का बनवा दिया नीतू ने। खरीदती चली गई क्या करेगी अब इतनी साड़ियों का गिव अवे करेगी क्या? नहीं सबके लिए ली है ना रोहित की मम्मी के लिए तुषार की मम्मी के लिए सबके लिए ली है। अच्छा वाह यार सबके लिए प्रसाद लाया है। हैप्पी न्यू ईयर। सो जिन लोगों को नहीं पता हैप्पी न्यू ईयर क्यों हो रहा है बंगाली न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है आज से
और मुझे कमेंट्स में बताया गया कि उड़ीसा में कर्नाटका में भी न्यू ईयर है। तुषार तेरी वाली कैब जल्दी आ गई भाई। हाँ मेरी आ रही है, ऑल्टो आ रही है। अरे अमीर बनो अमीर। हाँ कोई नहीं, साथ ही चलेंगे, उसको भी आने दे पहले एक बार। ये आ गई, ये आ गई, ये अपनी है। हाँ ये वाली, ये वाली, ये वाली। ओटीपी ले ले भाई, ये दे दियो ठीक है। आ जा 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 जा, पता है बाबूजी के पास थी पहले ऑल्टो। सो फाइनली इट्स माय लंच टाइम, मैंने बुफे ले लिया है यहाँ से। दो चीज़ें, नीतू का फास्ट इसलिए वो लोग ऊपर खा रहे हैं, तुषार वगैरह ने कुछ ऑर्डर करा है, मैं यहाँ पे खा के जल्दी से निकल रहा है मैच देखने के लिए अब यहाँ से अपने को। तो यार मैंने चेंज कर लिया, नीतू ने मुझे पहना दिया, मुझे नहीं पता कैसा है। वैसे ये लगता है जैकेट जैसा, बट ये बॉम्बर है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी अपने को। हम लोग अब जा रहे हैं कैमरा के घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होगा। फ़ोन से व्लॉगिंग करूँगा या फिर अपना एक्शन कैमरा लेता हूँ उससे व्लॉगिंग करूँगा, और बस आज मैं चीयर करूँगा अपने दोस्त के लिए। चले गाइस, तुम्हारा रूम ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन हाउस जैसा, हर तरफ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। चलो तुषार भाई। हाँ भाई, टॉस हो गई है। टॉस हो गई है, तीन मिनट जीती है लखनऊ, पहले बैटिंग कर रही है। हाँ, तो तीन मिनट में पहली बॉल फेंकी जाएगी। अभी तक हम हैं हमारी टिकट्स लेके होटल के बाहर ही, डोमिनोज लेके, डोमिनोज लेके। कोई बात नहीं, हम भी पहुंच जाएंगे, फिर बाकी बचा हुआ मैच देख लेंगे। वैसे तो 10-15 मिनट में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है स्टेडियम के अंदर, इससे पहले मैं कहीं देख रही। और आप में से किसी ने बोला था शायद कि कमेंट करी थी कि रोहित भैया आप ब्लॉगिंग मत करना। सही पकड़े हैं भाई। एक चीज और बोली थी कि मेरे वॉलपेपर पे क्या है भाई, देखो ये मैं हूँ और मेरी प्यारी भांजी है। तो गलत मत समझो भाई, मैं सिंगल हूँ। और हो गए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं भाई खुद बताऊंगा, अगर कोई होगी ना मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को। भाई एक कैब तो पता नहीं उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, हमें टाइम पहले दिखाया था 1 मिनट, बढ़ते बढ़ते 15 मिनट हो गया है। तो हम लोग अभी एक कैब लेके जा रहे हैं, दूसरी कैब पता नहीं कब आएगी। इन लोगों का थोड़ा सा मैच मिस हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं बस ट्रैफिक न मिले रास्ते में, वरना पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। कि क्या ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग ली है, तो हमारी रिंकू की बैटिंग तो जब तक आएगी तब तक हम वैसे भी वहाँ होंगे। तो हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, और भैया को बोलता है, बोल दिया है कि गाड़ी थोड़ी जल्दी लेके चले, यहाँ पिज्ज़ा पार्टी हो गई थी। तुषार भाई क्या मैच तो अंदर चल रहा है स्टेडियम के अंदर, देखिए फील की आवाज, आवाज तो बाहर आ रही है पूरी, शायद छक्का लगा या विकेट गिर गई। भाई एक चीज बता रहा हूँ, उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि अगर कहीं कैमरे में हम दिख गए तो हमें बता देना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, और भाई हमें टैग करना। ओ भाई गजब माहौल है यहाँ पे यार, कितनी सारी पब्लिक है, और हम लोग गलत गेट पर आ गए, हमें गेट नंबर 2 से अंदर जाना है। उतरो 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 भाई, हम गलत तो नहीं जा रहे, लोग उधर जा रहे हैं, हम सामने जा रहे हैं। धूप है अच्छी खासी, गाइस गजब का शोर आ रहा है स्टेडियम के अंदर से। आई गेस एलएसजी की बैटिंग चल रही, विकेट गिर गया होगा कोई इनका। आ जाओ सिर्फ गेट नंबर 2 की एंट्री, बिकॉज ये वीआईपी गेट है, कॉरपोरेट वाला तो सिर्फ इसकी एंट्री यहाँ से है। और भाई सबसे कम भीड़ यहीं है, देखो एकदम खाली खाली सा एरिया है वाला। हमारे रिंकू भाऊ ने हमें सबसे अच्छे वाले पासेस दिए। एक बार देखो, एक बार देखो, देखो कौन सा वाला अपना, कैन यू चेक विच वन इज दिस, गेट नंबर 2 दिस वन, ओके let's go let's go let's go I call you. तो अपने को जाना है हॉस्पिटैलिटी वाले में। यस हियर इट इज, आ जाओ जाओ नीतू, आ जा यार। वाओ यार क्या थीम है इसका, तो ये लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। फाइनली गाइस क्या माहौल है, चेक करो एक बार। यहाँ पर है पूचका, लेकिन हम पूचका को पूचका नहीं कर सकते, नहीं खा सकते। तो मैच स्टार्ट होने ही वाला है इन जस्ट 2 मिनट्स, और हम लोग खाना देखकर आ गए हैं क्या क्या है। बट खुशी है क्योंकि हमें, मुझे सच बताऊँ तेरे को भूख लग रही है ना? भूख लगी नहीं रही, ऐसा नहीं है कि अंदर से भूख लग रही है खाने का मन है। मैंने जस्ट थोड़ी सी चाय भी पी है। रिंकू भैया आपके नाम की टी शर्ट पहन ली मैंने, और आपको चेयर अप करने वाला हूँ यहाँ पर। तुषार भाई भी सेम टी शर्ट ले रहे हैं, और हमारे अरमन भाई भी लेंगे। भाई हमें यहाँ रिंकू भैया के लिए, भाई माहौल देख रहे, माहौल बताएंगे
भाई ये है सबसे महंगा प्लेयर। हाँ आई पी एल का सबसे महंगा प्लेयर, मतलब 25 करोड़ हमारे सामने है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट सोजा आवार सोजा आवार सोजा आवार सोजा। भाई अभी लाइट जल गई क्योंकि बैड लाइट का टाइम हो गया। Ladies and gentlemen, our mentor, Gautam Gambhir ke, amra bolte chai, thank you guys, clap, 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 clap. रिंकू भैया हमारे आ चुके हैं इम्पैक्ट प्लेयर बनके। यहाँ है रिंकू भैया। यार अपनी किस्मत कुछ ज्यादा ही लुल है, एकदम एग्जैक्ट सामने बिल्कुल सनलाइट पड़ रही है और पता नहीं मैच कैसे देखेंगे। अंदर वैसे ही वीआईपी बॉक्स है, अंदर पूरा एयर कंडीशन रूम है, बट सब लोग आके बैठे हुए हैं वहाँ पे, बट बहुत ज्यादा गर्मी है यार। बिना चश्मे के तो आंखें भी नहीं खोल सकता मैं। नीतू के साथ सेल्फियां ले रहे हैं लोग, नीचे से ही वो परेशान हो जाएगी भाई शाम तक ऐसी करते करते। एक मिनट आ जाए इधर भी। भाई विकेट गिरने के बाद का माहौल ना अनमैचेबल है यहाँ का। यहाँ पर ये आंटी आई है स्पेशली हमारे लिए और इनका कहना है कीर्ति आई लव यू, तो मैं कीर्ति तक इनका मैसेज पहुँचा देता हूँ। सीधू भाई जब से बिजी जब से ही सेल्फी लेने में, व्लॉग बनाने का मौका नहीं दे रहे लोग। धीरे धीरे जैसे कि सनसेट होने ही वाला है तो आप देख सकते हो हल्की हल्की लाइट जल रही है। गाइस मैच पे क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम मैच को एंजॉय कर रहे हैं है ना। यहाँ पर ये सारे रिफ्रेशमेंट्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्ट्रीट फूड ज़्यादा है भाई, स्ट्रीट फूड से शुरुआत करूँगा मैं भी, कोलकाता का फेमस कुछ का, और देखते हैं क्या क्या है। पहले ये मैं लास्ट में लूँगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। तो रिफ्रेशमेंट्स तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। उसके बाद शायद जब मैच ख़त्म हो जाएगा उस टाइम तक डिनर का टाइम हो जाएगा, तो एक बार डिनर भी आके यहाँ पर टेस्ट करूँगा। आप देख सकते हो नीतू मैम यहाँ से सेल्फी ले रही है। Such a fantastic audience, so we do that man starts. भाई यार देख सकते हो आप एसआर के आ गए ऑन ग्राउंड। Games like this are tough to digest, but that's. Match खत्म, we won the match. मैच खत्म हो गया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सारी चीज़ें हैं, उनमें से हम कुछ लेके चलते हैं ड्रिंक्स अपने लिए, बिकॉज हमारी टीम भी है ना, सबके लिए ले चलता हूँ कुछ ना कुछ। क्या लूँ? ये है स्पोर्ट्स ड्रिंक, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि पसीना बहुत बहा है आज। ये ले लेते हैं 1 2। वैसे एक कोक मैंने एक ले ली थी भाई, मज़ा आ गया मैच में यार। सबसे अच्छी चीज़ जीती टीम हमारी। थैंकफुली अपने को कैब मिल गई है, बहुत ज़्यादा रश है भाई बाहर तो,
अब बस सीधा होटल पहुंचता है यहाँ से। भीड़ में से चलते चलते आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, बार बार रुकवा देते हैं भाई। हाँ यार, बार बार रुकवा रहे हैं, मतलब यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ रुके, मतलब ऐसे ही चलता रहे। तो कैब में हम अब बैठ गए, अब जाएंगे होटल पर। आतिश शर्मा भाई, चलो भाई, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, पर गाइस जस्ट अभी हम स्टेडियम से आए, मैंने देखा है ये लोग हमारी टीम मेंबर्स देखो अपना रूम खुला छोड़ कर जाते हैं यार, मतलब की नहीं है यहाँ पर, बट ये लॉक नहीं लगा हुआ, अंदर लैपटॉप कैमरा सब रखा हुआ। भाई आज इनको आने दो, आज इनकी क्लास लगेगी सही से, मतलब यार ये तो अलग लेवल की केयरलेसनेस है। खोल जरा, कारनामा सुन ले अपनी अपनी टीम का, सुन। वो डोर ओपन करके चले गए, मतलब ये क्या हुआ नहीं तो, ये मतलब ये क्या चीज़ है यार, इस चीज़ कोई एक्सक्यूज हो सकता है क्या? Sometimes it happens. नीतू यार अंदर पता है लैपटॉप रखे, कैमरा रखा है यार, सब कुछ रखा है हमारा ऐसे ही भाई। नीतू तू सब बात छोड़, आज का तेरा एक्सपीरियंस कैसा था ये बता। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैच का, बहुत अच्छा। यू नो गाइस, लास्ट टाइम जब हम गए थे दुबई, केकेआर ने जो उनकी वहां वाली टीम है एडीकेआर, उसके लिए बुलाया था, अबू धाबी नाइट राइडर्स, भाई वहां पे वो टीम कितने, जब हम दो मैच हमने देखे थे, शायद दो या तीन मैच, तीनों मैच हार गई थी, फिर हमारे आने के बाद उन्होंने देखा तो उस साल शायद लास्ट पे रही थी वो टीम। भाई इस बार तो ना हम बस प्रे करते जा रहे थे, काली माँ ने हमारी सुन ली भाई, टीम जीती और बहुत अच्छे से जीती, डोमिनेट करके। तो हम तो वैसे रिंकू की बैटिंग देखना चाहते थे, बट हाँ कोई बात नहीं यार, फिर आऊंगा मैं अपने चीते की बैटिंग देखने, दिल्ली भी जाऊंगा मैं तो। लेकिन यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और सबसे अच्छी बात हमारे नीतू टीवी पर आई आज दो बार, फिर मैं और पूनम मैन भी आया ना, और पूनम मैन पता क्या कर रही थी, पूनम उबासी ले रही थी, आकाश भैया ने, आकाश भैया ने मीम डाला वहां पे कि पूनम पूनम सोच रही है कि नहीं मैच वैच तो होता रहेगा, पहले सो लूं भाई। लेकिन बहुत सारे हमारे इतने सारे वो फोटो वायरल हो गया, सबने स्टोरीज में टैग करा, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग हमें वहां मिले ना यार, कि मजा ही आ गया। अब हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं जो दूसरा काली माँ का मंदिर है, बहुत बड़ा, और वो है काली घाट। आपको बस एक चीज और मैं बताऊंगा, आपको लेकर बोर कर रहा है बट ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसा लगता है कि ना उनके ऊपर कुछ तंत्र वंत्र कुछ ऐसा तो नहीं कराया हुआ, पता है तंत्र वंत्र जितने ना ऐसा बोलते हैं, काली माँ सब काट देती है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। एंड जो लोग को लगता है कि नजर लगी हुई है उनको, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ वीकनेस फील करते हैं, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। नीतू को ना पिछले शायद दो महीने हो गए फैब से, उसको ना मतलब आप लोग तो व्लॉग में देख रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि आप वीक होती जा रही हो, और मतलब जिस एनर्जी से वो रहती थी ना, वो एनर्जी उसमें नहीं दिख रही थी। बट कल सडनली जब से हम उस मंदिर से आए, नीतू ने बोला कि लखन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से एनर्जी आ गई मेरे अंदर, और ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मतलब ऐसा होता है कि कोई भी कई बार क्या होता है ना, मतलब नजर भी होती है लोगों की, नजर लग जाती है बहुत लोगों को अच्छी तरह, तो ना वो सब कट जाती है आप दर्शन मात्र से। अगर आप ऐसी जगह आ रहे हो ना शक्तिपीठ, तो माँ सारी आपके ऊपर जितनी भी नजर बलाएं बुरे ग्रह सब काट देती है। हमने तो फील करा, आप लोगों में अगर कभी भी ऐसा हो तो आप लोग जरूर ट्राई करना, अचूक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो ये जो हमें बैंड पहनाया था, इसको भी अब उतारने का टाइम आ गया है। आओ महान हस्ती आओ, दिखाओ दिखाओ क्या टी शर्ट है ये। वाह भाई रिंकू भाई, देख लो यार, सबसे बड़े सपोर्टर हमारी टीम में, खरीदी है तुम लोगों ने ये। वाह यार मुझे भी दे देना ये, है ना। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा रूम की कहाँ है? ये पकड़ो पकड़ो पहले तो की पकड़ो, ये तुम्हारे रूम की है ना, ये मेरे की है। हाँ तुम्हारे की है, पकड़ो बेटा। रूम किसने खुला छोड़ा था? हमारे तीन की कैसे हुई? अच्छा तीन छोड़ो, तुम तीन ही लोग हो ना, रूम क्यों खुला था ये बताओ मेरे को। वो अरविंद भैया पॉटी करने गए थे भाई, तुम्हें पता ना क्या क्या सामान था वहाँ पे, क्या क्या था? लैपटॉप कैमरा। फिर अगर चोरी हो जाता क्या करते हैं बताओ, किसी के हगने के चक्कर में? हाँ कैमरा हमारे, लैपटॉप, सारे चैनल हमारे वहाँ खुले हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक चीज़ है ये, तुम लोग सबसे सीनियर हो इस टीम में, और तुम्हें मेक श्योर नहीं करना चाहिए। अब ऐसा है तैयार हो जाओ, काली माँ के मंदिर चल रहे हैं, ठीक है? जाओ। यू नो गाइज, आप एज अ टीम रहते हो, एज अ फैमिली रहते हो, विच इज़ वेरी गुड, बट एट टाइम आपको प्यार भी ज़रूरी है, एट टाइम आपको करेक्ट करने के लिए डांट भी ज़रूरी है, क्योंकि यार ये चीज़। हाँ हाँ मतलब बोला यार मैंने, करेक्ट करना चाहिए यार ऐसी चीज़ों पे, कल को क्या होगा अगर ये सब छिन जाएगा हमारे पास से, कुछ नहीं बचेगा भाई हमारे पास। एक चीज़ जो मैं इस बार मेक श्योर कर रहा हूँ वो है हाइड्रेटेड रहना। मैंने वहाँ भी कितनी सारी बॉटल पानी पी है, यहाँ भी आके पी रहा हूँ। हाइड्रेटेड रहो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, वरना सर दर्द होने लगता है, आपको वीकनेस लगने लगती है, आपको लगता है कि पता नहीं क्यों हो रहा, जबकि आपके अंदर पानी कमी होती है बॉडी के अंदर उस टाइम पर। तो मैंने भी चेंज कर लिया, अब हम लोग निकलते हैं काली माँ के मंदिर के लिए। दोबारा से कैमरा घर पर छोड़ कर जाऊँगा, बिकॉज वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। ओके लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। यार सबसे फेमस काली माँ का मंदिर काली घाट हम आ गए, और देखो क्या क्या आवाज आपको आ रही होगी, ढोल बाजे कुछ बज रहे हैं इधर। तो जिस मंदिर में हम आए ना, ये पूरा रेनोवेट हो चुका है, और ये बताते हैं कि इस साल अगर आप दर्शन करने आओगे तो आप बिल्कुल मेन मूर्ति के सामने से दर्शन करोगे। इस साल कुछ ऐसा रेनोवेशन हो जाएगा कि अगली बार आप सामने से दर्शन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग अगर पॉसिबल है तो इस साल जरूर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर भी दर्शन कर गए। तो यहाँ पर चढ़ावे के लिए फूल्स वगैरह है सब। कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि आप सब मिल पाएंगे। अरे नहीं,
बीमार है हमारे दर्शन हो गए बट अगर मतलब माता रानी के दर्शन में बहुत अच्छी बात है बट अगर मैं ये बोल दूँ बहुत अच्छे दर्शन हो गए तो वो झूठ होगा क्योंकि मुझे जो यहाँ का मैनेजमेंट है उससे बहुत शिकायत है भाई। इन्होंने टोटल लूटमार मचाई हुई है यहाँ पर। आप लोग अंदर जा रहे हो, आप लोग माथा टेक रहे हो, बहुत अच्छी बात है बट माथा टिकवाते ही कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, सीधा कि अब आप 5,000 रुपये दे दो। क्यों दे दो भाई 5,000 रुपये? इतनी कोई छोटी रकम होती क्या? मैं अपनी मर्जी से 5,00,000 रुपए भी दूंगा बट आप कैसे बोल सकते हो वहाँ पे जाके? मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं पंडित जी मैंने तो कोई नहीं बोला 5,000 देने के लिए। उसके बाद उन्होंने ना हाथ नहीं लगाने दिया वहाँ पे, फिर धक्का मुक्की करने लगे। तो इस तरीके से अगर आप बिहेव करोगे ना सबके साथ तो ये बहुत गलत है, वो भी माता रानी के सामने आप ये कर रहे हो। तो मुझे पता चला कि इन्हीं सब माल प्रैक्टिसेस की वजह से अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो भी चेंज हो रहा है और नया सिस्टम बन रहा है जिसमें आप टोकन कटा के भी दर्शन कर सकते हो अगर आपको जल्दी करने हैं तो। बट ये बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत। इन चीज़ों की वजह से ना तो लोगों को कहने का मौका मिलता है। और भाई ये कुछ लोग होते हैं लालची जो ये सब करते हैं और बदनाम सब लोग हो जाते हैं। इससे पहले आपने देखा दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की, 2 घंटे खड़े रहे हम लोग, पूजा की अच्छे से आए वहाँ से और कोई शिकायत नहीं है। बट यहाँ लिटरली लूट मार है, लोगों से पैसे मांग रहे हैं। आप मुझे अंदर ना वो अपना स्कैन कोड लेके खड़े हैं कि आप मुझे पेटीएम कर दो तब मैं आपके और अच्छे से दर्शन कराऊंगा मंदिर के अंदर। यार भाई ये गलत चीज़ है। तो ये है यहाँ का लेक मॉल, हम यहाँ पर आ गए, हमारी गाड़ी आ गई थी। ये लोग तो हमसे पहले पहुँच गए भाई। कैसे ये कैसे हुआ? एडिट करने का स्टाइल है ना, ये लाजवाब है भाई। तुम क्यों हंस रहे हो? इसका फाइनली हम लोग आ गए रूम पर। नींद की वजह से मेरी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है मुझे, इस टाइम कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सोना है। गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। व्लॉग लाइक करना अच्छा लगा हो तो। कल मिलेंगे दोबारा घर जाके आपको। बाय बाय।